ओ ये तो गिर गया सर। क्या बड़े लेना है? और पेट्रोल नहीं, मतलब HDFC बैंक। सभी करते चलो लास्ट है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट चलो डिस्कस करते टेस्ट को। अगर आप डाउट कम पूछो तो मैं अच्छे से डिस्कस कर लूंगा, जल्दी हो पाएगा। और सारे ही पूछे जाएंगे तो फिर सर कैन यू एक्सप्लेन प्लीज, पेपर सेंड ऑन द ग्रुप। ठीक है चलो, मैं पेपर को ग्रुप पर भेज देता हूँ, ऐसा रिक्वेस्ट आया है तो, डिमांड आया तो डिमांड को पूरा करना मेरा काम है। जितने भी लोग बैच टू में हैं प्लीज वो पहले ग्रुप का लिंक भेजा उसे ज्वाइन कर लो और बैच टू से लेफ्ट हो जाओ, ताकि जैसे ही बैच टू में कोई नहीं बचेगा मेरे अलावा तब मैं ग्रुप को डिलीट कर पाऊँ जल्दी से जल्दी। क्लियर है? क्योंकि नंबर ऑफ बॉट्स का ग्रुप तुम्हारे लिए, वाह जय जगताप, क्या बात है, आप भी मेरे से फास्ट निकल रहे हो, वाह। चलो स्टार्ट करते पेपर का डिस्कशन। चलो 51 से 55 में किसी का कोई डाउट? 51 से 55 में कोई डाउट? मैं ओरली बताते चलता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर ने सारे क्वेश्चन नहीं बताए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, क्योंकि पेपर मीडियम लेवल था, ना हार्ड था ना इजी था, तो
पेपर जैसा होना चाहिए वैसा था, उससे थोड़ा सा इजी था। मैं ये बोलूंगा जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू, तो जेई मेन से थोड़ा सा आसान था, मुझे पता था कि सारे डाउट आएंगे। चलो तो इस तरह के क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, सारे बता देता हूँ एक एक करके, बताते चलना। 51 में केवल डिग्री पूछी थी, तो सबको दिख रहा है कि चार पावर हाईएस्ट है, तो पहले क्वेश्चन की डिग्री हो जाएगी चार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सीधा आंसर चार ए आंसर। टाइम लगना चाहिए था इसे करने में मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम दिया है तो गलत बात है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक, इसमें एक्स के रूट पूछे थे, तो एक्स बराबर आप माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगा के आप सॉल्व कर सकते थे, जिससे कि आपका 52 हो जाता। चलो अब जैसे कि डाउट पूछा है कि 53, 53 पूछा है, तो मैं 53 बता देता हूँ सबको। जितने क्वेश्चन आप ओरली पूछोगे मैं उनको थोड़े बड़े पेज पे सॉल्व करूंगा, और जो भी होगा आपको डिस्क पीडीएफ बना के दे देंगे। चलो 53 हम डिस्कस करने को बोल रहे हैं बच्चे, 53 में बता देता हूँ, तो कमेंट में आपके साथ ही साथ पढ़ता चलूँ वो ज्यादा जरूरी है। चलो देखिए बेटा क्या था क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट, लॉग दे दिया सर, लॉग का आपने मना किया था। यस मैंने बोला था बेसिक प्रॉपर्टी हमें आना चाहिए, आप देखो 7 की पावर log 7 है, तो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि क्वेश्चन लॉग का था ही नहीं। जिन लोगों ने बेसिक ऑफ लॉग पढ़ रखा है उनको पता होगा 7 log 7 कैंसिल हो जाएगा और ये क्वेश्चन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 इक्वल टू x-1। बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x-4 = 0, बोलो किसका डाउट था। अर्पित बेटा क्लियर हो गया, अर्पित क्लियर, चलो इसको हाँ। अब इसके फैक्टर करने जाएंगे तो आप इसके फैक्टर बड़े आराम से कर सकते हो, जो भी आंसर लाना है वो आप आंसर ले आओगे। यहाँ प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, ये प्लस का 6 हो जाएगा, फैक्टर आएंगे x-2 x-3। तो बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी थी, ज्यादा कुछ खास था नहीं, आंसर सी। क्लियर, मैंने कर दिया बेटा, कोई टेंशन नहीं है। चलो डाउट्स की लिस्ट आ गई है, एक ने तो लिस्ट भेज दी है 50, आपके डाउट्स कंसीडर करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो किसी और का 55 था कोई डाउट, मैं आगे के 54 55 भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ओरली। इसका बेटा हम डी निकालेंगे, इसका डी नेगेटिव आएगा 54 के अंदर, तो डी नेगेटिव आने के कारण इसके रूट्स होंगे इमेजिनरी। क्लियर है, मुझे लगेगा जो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना चाहिए उसे सॉल्व करूंगा, जिस क्वेश्चन में लगता है कि ओरली हो सकता है तो ओरली करूंगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या करूंगा, उन्होंने बोला था इक्वा रूट, इक्वा रूट का मतलब होता है बेटा डी बराबर 0, जिनका 55 डाउट है वो डी बराबर 0 सॉल्व करो। डी बराबर 0 लगाने पर एम में क्वाड्रेटिक आएगी, दो वैल्यू आएंगे और 3 और 4 उसके आंसर आ जाएंगे। 55 तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब डाउट आता है 56, ये पूछा हुआ है 56 डाउट, काफी लोगों का डाउट है, तो मैं पहले तो क्या बोलना ही कुछ बेकार है, देख लेते हैं 50 ये वाला क्वेश्चन। वैसे ये थोड़ा मीडियम क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, जेई मेंस लेवल क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, तो देख लीजिए क्या है इसका, क्या कहानी है। चलो आप देख लीजिए, आपको क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। आगे के डाउट्स टाइम आने पर बताना, जितना मैं पूछू उतने बताओ। ये हम डिस्कस कर रहे हैं 56, क्या इसमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। यस, तो जो रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा वो इक्वल है, इक्वल है मतलब क्या वो रूट वन आएंगे। क्या मैं ऐसा बोलता हूँ जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरा वन होगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट कितना आर पी माइनस क्यू अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, बोलो क्लियर। अगर ये इक्वल है तो ये आएगा आर पी माइनस आर क्यू, क्योंकि ये प्रोडक्ट वन है, बराबर पी क्यू माइनस पी आर। हमें क्या निकालना है, टू अपॉन क्यू, तो क्यू कॉमन ले लो, क्यू कॉमन लोगे तो ये आएगा पी माइनस आर बराबर 2 पी आर, यहाँ से ये हो जाएगा पी माइनस आर अपॉन पी आर बराबर 2 by Q। देख सकते हो कि ये किस लेवल का क्वेश्चन था, तो यहां से आपको लग रहा है ये वैल्यू आनी चाहिए, नहीं कुछ गड़बड़ किया है मैंने,
मैंने कुछ गड़बड़ की, ये प्लस आएगा सर, ये एक बार करके देखो, ये प्लस आएगा तो आंसर हमारा ए आ जाएगा। बोलो 56 तक और कोई समस्या, 56 तक और कोई समस्या। फिर 57, 58, 59 को मैं ओरली बता देता हूँ एक बार, ताकि किसी का डाउट हो तो बोलो। 60 को हम बड़े उसमें ले लेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि सबके कमेंट में पढ़ लूँ और सबके जो डाउट है बता दूँ, अगर किसी का रह जाए तो प्लीज दोबारा कमेंट भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक रूट क्या है, 3+i, तो बच्चा बच्चा जानता है कि दूसरा रूट 3-i आएगा। अगर एक, लो भैया पहले नोट करना है ना आपको, ये लो नोट कर लो। पेपर डिस्कशन चल रहा है। 11th का मेरा तो पूरा दिन चला जा रहा है पेपर डिस्कशन में। बच्चे बहुत ढीले हैं, बस 6-7 लोग अच्छे हैं, उसके बाद सब ढीले। ओके मैं तो क्लास में बोलता हूँ, इनको असलियत दिखाई जाएगी तब जाके पढ़ेंगे। चलो डन, ठीक है। चलो 56 में क्या दिया है बेटा, एक रूट 3+i है तो दूसरा 3-i होगा, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा 6। सम ऑफ रूट 6 तो -a = 6, a की वैल्यू -6 आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। यहाँ पर a² + b² बोला था, a² + b² को आप लोग लिखोगे बेटा a + b² होल स्क्वायर -2α β। यहाँ पर a² + b² को आप लिखोगे a + b² होल स्क्वायर -2ab, a + b² होल स्क्वायर हो जाएगा 1, -2, आंसर आ जाएगा -1, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। चलो मैं 59 और 60 दोनों को मैं बड़े फॉर्म में ले लेता हूँ। वैसे 59 किसी ने नहीं पूछा, लेकिन ये मेरी ड्यूटी बनती है कि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं इनको दोनों ही क्वेश्चनों को एक स्लाइड पर लेके एक्सप्लेन करूँ। तो 60 क्वेश्चन तो डाउट पूछा गया है, 60 तक अभी मैंने लिए हैं, 60 से आगे के कमेंट अभी पढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो पहले मैं 59 और 60 को एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। चलो इफ द रूट बॉथ नेगेटिव, अगर रूट बॉथ नेगेटिव है तो मेरे हिसाब से सम कैसा आएगा, अगर दोनों रूट नेगेटिव तो सम भी नेगेटिव आएगा और जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट बोले तो CYA वो पॉजिटिव आएगा, और सम बोले तो -b/2a ये कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहां से क्या होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, b = 2a, क्लियर है। तो मतलब बी बी कैसा है, नेगेटिव, तो ऑब्वियसली बात है ए भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर ए नेगेटिव है तो सी भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्लियर है, ए आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलो 60वां पूछा था, देख लो लेक्चर नोट्स का कराया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हंसी आ रही है मेरे को। चलो क्या बोला, इक्वेशन हु रूट्स द स्क्वायर ऑफ द अदर, तो α² = x बोलो, बताया था α √x बोला था कि नहीं, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। देख लो आगे, ए x² बन जाएगा x प्लस बी, ये बन जाएगा √x प्लस c = 0, होल स्क्वायर करो तो ये आएगा a² x² प्लस c² प्लस 2ac x = bx, को उधर लेके स्क्वायर करो b² - x, क्लियर है। तो ये आ गया a² x² प्लस x कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 2ac - b² 59 रिपीट, मुझे पता था ये सब हो रही है, प्लस c² = 0। जब तक आप कैलकुलेशन को खुद से नहीं करना चाहोगे तो जब तक आपके डाउट रहेंगे, तो हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा सी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है। 59 में बेटा पार्ट, मेरी बात सुनना और आंसर देना, अगर दोनों रूट नेगेटिव है तो क्या सम नेगेटिव और प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, अगर मेरे दोनों रूट नेगेटिव है तो सम नेगेटिव और प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। हाँ चलो, सम नेगेटिव मतलब -b/2a नेगेटिव, तो क्या b/2a पॉजिटिव आएगा, क्योंकि तो माइनस होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b/2a पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि b अगर नेगेटिव है तो क्या a नेगेटिव होगा कि नहीं, तभी तो पॉजिटिव आएगा। दो पॉजिटिव नंबरों का डिवीजन पॉजिटिव होता है, दो नेगेटिव नंबरों का डिवीजन नेगेटिव होता है, क्लियर हुआ बेटा पार्ट, यस। तो जब a नेगेटिव आ गया तो c/a पॉजिटिव लाने के लिए c नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए नेगेटिव है तो सी भी नेगेटिव होगा, तभी ये पॉजिटिव आ सकता है। तो अपने दिमाग में थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के ही ये क्वेश्चन होते हैं, अगर कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे।
तुम्हारा डी आंसर कैसे आया था मुझे वही तो बताओ। उन्होंने क्वेश्चन में बी नेगेटिव आपने ये यूज किया, अगर बी नेगेटिव है तो बेटा ए नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर? और एक गलत हुआ तो सी तो फिर गलत निकलना ही है, तो एक गलत तो दूसरा गलत ऑटोमेटिकली हो जाता है। 60 तक किसी का और कोई डाउट हो तो बोलो, 60 तक किसी का और कोई डाउट? एक ने ओमेगा टाइप का बोला है, बेटा ओमेगा लगाने की जरूरत नहीं थी किसी भी क्वेश्चन में, इतना हेडेक नहीं लेना था। चलो आगे बढ़े। यस चलो, तो अब मैं ले रहा हूँ 61 62 दोनों को बड़े फॉर्म में ले रहा हूँ। ये दोनों ही बुकलेट लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं थे, इनको मैं दोनों को ही मीडियम कैटेगरी में डालूंगा, मतलब जेई मेन से ऊपर लेवल के नहीं थे, जेई मेन तक ठीक ठाक थे, थोड़ा डाउन ही बोलेंगे जेई मेन से। 61 को 62 को हम जेई मेन लेवल बोल सकते हैं। चलो देख लेते हैं 51 52 61 62 देखते हैं क्या। बेटा मैं इसको 1 अपॉन अल्फा क्यू प्लस 1 अपॉन बीटा क्यू, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला स्टेप मैंने ये लिखा, माइनस पावर देखने में अच्छी नहीं लगती तो पहले मैंने उसे सिंप्लीफाई किया, देन अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो बीटा क्यू प्लस अल्फा क्यू अपॉन, नीचे एलसीएम आएगा अल्फा क्यू बीटा क्यू और साइड में आएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, क्लियर? आप देख सकते हैं इससे ये कैंसिल, तो ओवरऑल ये बन जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब, क्लियर है? तो यहाँ से आप निकाल के देखो कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, तो ये आंसर आ जाएगा 1 अपॉन क्यू क्यू, बोलो क्लियर? चलो इस क्वेश्चन में उन्होंने ए अल्फा प्लस बी, तो मेरा ये आंसर इसलिए गलत था, जब मैंने सॉल्व कर रहा था ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया था वहां सी लगा था, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे -2 पावर नहीं दिखी, प्लस की 2 लगी, इसलिए मैंने अपना आंसर नल लगाया था, क्लियर है? बट क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो -2 पावर, इसलिए कहानी बदल गई। अब मुझे ए अल्फा प्लस बी चाहिए कहीं से भी लाओ, तो क्वेश्चन से बोला तुम दोगे क्या, उसने बोला मिल जाएगा, कैसे? अल्फा कॉमन ले लो, तो ए अल्फा प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करके देख लो एक बार चाहो तो। यहाँ से ए अल्फा प्लस बी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -C/अल्फा, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या होगा, नीचे तो आएगा सी स्क्वायर, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, आप देख सकते हैं एक बार, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर आगे, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से आगे वैसे आपकी ड्यूटी बनती है क्या कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, तो वो कितनी आएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस -2C/A, इसे करके देख लो, एलसीएम स्क्वायर ले लो, सी आंसर आ जाएगा। नोट करिए 61 तक किसी का कोई डाउट हो समस्या हो तो बोलो, 62 तक नोट करो, जब तक मैं ऊपर की थोड़े कमेंट पढ़ लेता हूँ, 62 तक किसी का कोई डाउट हो तो बोलो, मैं जब तक थोड़ा ऊपर की कमेंट पढ़ लेता हूँ। चलो तो एक 70 है, 64 65 है, बोलो बढ़ू आगे, नोटेड यहाँ तक 63 बताऊंगा, टेंशन ना लो, मैं भी 62 तक बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आगे सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैंने ऊपर के सारे कमेंट पढ़ लिए, टेंशन ना लो, मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा आपको, जो कमेंट में करोगे उसको मैं बड़े लेवल पे एक्सप्लेन करूंगा, बाकी को छोटे लेवल पे। तो यहाँ तक डाउट है 63, 63 पूछ लिया है, बेटा मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -B/2A राज खेड़कर क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, -B/2A, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू -5 तो नीचे 10, तो -3/10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/10 आंसर। राज समझ में आया, नहीं बताऊं तो चलेगा 63?
चलो मैं 63 को पूरा ही सॉल्व करके दूंगा, वरना कहेगा कि भाई मेरे क्वेश्चनों को ओरली हवा में कर दिया सॉल्व, बाकी सबके क्वेश्चन पूरे पूरे सॉल्व हो रहे हैं। चलो नहीं मैं तो बताऊंगा भाई, ये होता है -b/2a। तो जब भी मैक्सिमम एक्स की वैल्यू थी -b/2a और डी बराबर होता है -d/4a, तो अब पूरा सॉल्व करते हैं। माइनस बी, बी कितना है यहाँ पर 3, 2a कितना है -10, तो ये आ जाएगा बच्चों 3/10। इतना खतरनाक क्वेश्चन था। चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 3, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि प्रोडक्ट 3 है, मतलब CYA 3 है। तो पहले तो आप क्वाड्रेटिक को आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आप क्वाड्रेटिक को मॉडिफाई करना नहीं चाहते, और जब तक क्वाड्रेटिक को मॉडिफाई नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 2 - m / 5 - 2 m, 5 - 5 + 4 m, करके देख लो एक बार, बराबर 3। जब भी क्वेश्चन उल्टी सीधी फॉर्म में दिया जाए तो एक्स स्क्वायर अलग, एक्स अलग, कांस्टेंट अलग, फिर उसमें कर दो तब यहाँ से सॉल्व होता है। तो 2 - m बराबर बच्चों आ जाएगा 15 + 12 m। तो कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, होगा तो बना रहेगा, मेरे को क्या है। m बराबर 13 m, बच्चा बच्चा समझ गया -1। 64 तो कोई डाउट, 65 को मैं लेने वाला हूँ बड़े फॉर्म में, टेंशन मत लो। सिक्सटी फाइव सिक्सटी एट पर मुझे फोकस करना है, 65 68 70 पर मुझे फोकस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 64 तक किसी का कोई डाउट हो तो बोलो। टेल क्वेश्चन नंबर 64, कोई डाउट, कोनू समस्या, कोनू परेशानी? नहीं। चलो तो आगे की बात करते हैं, मुझे 65 68 और 70 पर फोकस करना है। चलो ये क्वेश्चन आया, मैं यहाँ 65 से लेके 67 तक सारे ही बता देता हूँ, 68 अगले पेज पे ले लूंगा मैं, टेंशन ना लो। मुझे लगता है मुझे सारे ही बता देने चाहिए, ताकि इस किसी का ये किसी का वो ये ना रह जाए। चलो 65 बहुत बड़े लेवल पे पूछा गया, जबकि बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं है। आपने बचपन में पढ़ के आए होंगे कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 सिग्मा अल्फा बीटा। सिग्मा मतलब अल्फा, बीटा बीटा गामा, गामा डेल्टा, गामा अल्फा, जो कुछ होता है सब इसमें आ गया। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से निकालो सिग्मा अल्फा की वैल्यू आएगी पी, दिख रही है? सिग्मा अल्फा बीटा आएगा क्यू, और सिग्मा अल्फा बीटा गामा आएगा आर, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो सिग्मा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर बोले तो p² - 2q। यहाँ पर डी आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने उठवा दिया था, ये जो पेपर है वो एडिट करने से पहले का पेपर है। क्लियर है? जो मैंने पेपर सेंड किया है ये एडिट करने से पहले का पेपर, में करेक्शन करा दिए थे, तो उसका आपसे इसका आंसर ए आने वाला है। बोलो क्लियर? चलो 66 देख लो, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट। नेगेटिव रूट चाहिए तो सबसे पहले हमें एक्स को -x रखना पड़ेगा, तो 12x, इवन पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑड पावर कुछ ऐसे हो जाती, पॉजिटिव भी निकालते तब भी। यहां से साइन चेंज हुआ? नहीं, यहाँ साइन चेंज हुआ एक बार, तो एक रूट आएगा। बोलो, बताया था लास्ट में, तो 65 अनक्लियर। बेटा आपने बचपन में a + b + c का होल स्क्वायर पढ़ा है, नोट्स में भी ये क्वेश्चन करा है, तो आपने पढ़ा होगा। चलो पूरा लिखता हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा बचपन में, a² + b² + c² +2 टाइम सिग्मा लगा देता हूँ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा सिग्मा के अंदर आ गया, ये पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ से a + b + c की वैल्यू पी है कि नहीं? क्या a + b + c की वैल्यू पी है कि नहीं? क्या बताया था? पहला वाला सम देता है, ये दो दो का प्रोडक्ट देता है, ये तीन तीन का, फिर चार चार का, पांच पांच का, बताया था थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जाके देखो, सिमिलर क्वेश्चन कराया है। तो वहां से बेटा ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फा का पी का स्क्वायर कितना आएगा, पी स्क्वायर बराबर a² b² c² प्लस
प्लस टू टाइम अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है क्यू, दो दो का प्रोडक्ट मतलब दो पावर कम, तीन तीन का प्रोडक्ट मतलब तीन पावर कम, इसको इधर ले आओ। यहाँ मैंने पहले ही बोला था हर हेडिंग पे क्वेश्चन है, आप ऐसी कोई हेडिंग नहीं ढूंढ पाओगे जिस पर क्वेश्चन नहीं है, और सब बेसिक लेवल से जैसा जैसा क्लास में बोला है उसी उसी लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन पूछा था, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं थी। आप बोल ही नहीं सकते, जिसने लेक्चर भी अटेंड किए हैं कुछ भी सॉल्विंग नहीं किया है उसके भी आउट ऑफ मार्क्स आ सकते थे इसमें। चलो ये तो क्लियर है, यहां पर एक्स की वैल्यू आप निकालोगे हाफ, हाफ पुट करो तो 4 × 1/2 की पावर 4। मैंने रिमाइंडर थ्योरम पे भी क्वेश्चन बनाए थे, a − 1 × 1/8 प्लस a × 1/4 − 3 + 1। बोलो क्लियर। चलो तो 1/4 की पावर 16 बोले तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। इनका एलसीएम ले लिया मैंने 8, अगर 8 एलसीएम ले लिया तो ये आ गया −a + 1, यहाँ पर प्लस का साइन है, −a + 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया +2a, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा −2 = 0। क्लियर, यहाँ से आगे आगे आप देख सकते हो 1/4 − 2, तो ये दूसरी साइड जाके बन जाएगा 7/4, और यहाँ पर बचेगा a + 1/8, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों a + 1 = 14। तो मेरे हिसाब से जो ए की वैल्यू है वो 13 आ रही होगी, ऑप्शन कट हो गए हैं पर आप समझ सकते हो, इतने होशियार हो मुझे पता है। बाकी देख लेते हैं, वहां पर ये पीडीएफ आपको लेक्चर के तुरंत बाद मिल जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। 67 तक किसी की कोई समस्या हो तो बोलो, मैं 68, 69, 70 तीनों को एक साथ कट करूंगा, अब टेंशन ना लो, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं 68, 69, 70 को अगले पेज पे कट करने वाला हूँ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। और आप मुझे ऐसा क्वेश्चन बताओ जो मैंने नहीं कराया, अभी आप लोगों को आज ऑनलाइन पनिशमेंट भी मिलने वाला है। चलो 69 में थोड़ा सा बच्चों को एक डाउट था, वो भी मैं क्लियर करूंगा। 70 में तो बच्चे डर ही गए कि सर ट्रिग्नोमेट्री का मना किया था फिर भी आ गई, तो बेटा मैंने पहले ही बोला है कि लॉग ट्रिग्नोमेट्री ये आपके ऐसे चैप्टर है जिनके खुद का कोई क्वेश्चन नहीं होता, बट किसी भी क्वेश्चन में बीच में टपक पड़ सकता है, जैसे घर में कुछ लोगों की आदत होती है कि बीच में कहीं भी आ जाते हैं, ऐसे ही हमारे ट्रिग्नोमेट्री लॉग ऐसे चैप्टर है, कोई अपने काम का हो या ना हो बीच में बोलने से मतलब। तो 66 में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, बहुत बढ़िया बेटा, हमारे चैप्टर की लास्ट हेडिंग देखिए, हम मैक्सिमम एंड मिनिमम रियल रूट लिखाए थे, बोला था साइन कितनी बार चेंज हो रहा है, पॉजिटिव रूट चीज देखो प्लस 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 एक बार साइन चेंज हुआ मतलब एक पॉजिटिव। क्लियर, ये क्या क्या है, ये क्या है, क्या मतलब निकालू मैं इसका, क्या है क्या है। चलो अब मैं बात करता हूँ 68, 69 और 70 की पनिशमेंट, अभी आपको पेपर के बाद पता चलेगा। चलो मुझे इसका रेंज निकालना था, तो मेरे टीचर ने मेरे को बचपन में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन करने में दिमाग नहीं लगाने का, जब तक आप क्वेश्चनों का पैटर्न नहीं समझोगे आपको बहुत समस्या आने वाली है, क्योंकि आपका जो फाइनल पेपर है 1, 7, 30, 35 चैप्टर वो भी तीनों ही सब्जेक्ट में है, ऐसे ऐसा नहीं कि अकेला एक ही सब्जेक्ट में हो तो चलो चल जाएगा, तीनों ही सब्जेक्ट के पूरे पूरे 40-40 चैप्टरों का एक पेपर आने वाला है, जहां पर 3 ही घंटे होंगे बस, और यहाँ पहले ये सोचना है कि ये कौन सा चैप्टर है, तो यहाँ से आएगा x²(y−1) + x²(2y−1), फिर आएगा −y − 1 = 0। अब मैं लगाऊंगा d > 0, तो यहाँ पर आएगा 2y − 1 का होल स्क्वायर − 4y − 1, ये माइनस को यहाँ लिख दो यहाँ हो जाएगा y + 1। बोलो, वैसे भी ये 2 यहाँ बाहर आएगा तो बाहर ये 2 यहाँ ना आके यहाँ 4 आएगा। क्लियर, चलो तो 4 × y − 1 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा y − 1 + y + 1,
तो 1 से 1 कैंसिल इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो नंबर लाइन पे एक रूट तो आने वाला है 0, एक रूट आने वाला है 1, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बट यहाँ पर ओपन दिया है, यहाँ देखोगे, और कल एक बच्चे ने पूछा भी, उसका डाउट बिल्कुल जायज है, कोई दिक्कत नहीं, उसने बिल्कुल सही पूछा कि सर यहाँ ओपन है तो मैंने नल लगा दिया, क्या गलती है? तो बेटा मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि एक्स स्क्वायर का यहाँ रेशियो कितना है, 1 है कि नहीं? यहाँ पर दोनों एक्स स्क्वायर का रेशियो 1 है कि नहीं? तो 1 पर हमें डाउट होना चाहिए, बताया था, थोड़ा सा हिंट दी थी आपको, आप लोगों को ये हिंट दी थी कि नहीं कि हमें एक्स स्क्वायर का रेशियो एक बार चेक करना चाहिए? तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2y-1 इक्वल टू 1 लगा के क्रॉस चेक करने की कोशिश की, तो क्रॉस चेक करने की कोशिश की तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x कैंसिल, 1 बराबर माइनस 1। बोलो क्या ये रिजल्ट निकल गया है? क्या ये मैथ का मजाक उड़ा रहा है? क्या 1 बराबर माइनस 1 आना मतलब मैथ का मजाक उड़ना जैसा है? तो अगर ये मैथ का मजाक उड़ा रहा है इसलिए 1 वो ओपन आएगा, क्लोज नहीं। क्लियर? तो 1 हमारा कभी नहीं आ सकता, 1 हमारा मजाक उड़ा रहा है, तो जो मजाक उड़ा रहा है उससे दोस्ती क्यों करने का है? तो ये था कंसेप्ट। और वैसे भी अगर ये नहीं भी आता तो हम इसमें मोस्ट परफेक्ट आंसर यही आता। क्लियर? इसको मैं लिख देता हूँ, ये होता है x प्लस, इसे मैं केवल हिंट लिख रहा हूँ 69 में, बाकी आप लोग कर लेना, ये केवल हिंट लिख रहा हूँ। इन क्वेश्चन नंबर 63 मैं केवल हिंट लिख के दे रहा हूँ 69 में, अब बच्चा बच्चा जानता है कैसे करना है। आप इसमें x प्लस 1y x की वैल्यू डाल दो 3-√8, ठीक है? तो और यहाँ पर 1y x को और मानना पड़ेगा, वो होगा बेटा 3+√8, तो एक्स प्लस रूट एक्स कितना हो जाएगा 6। आप करके देख लो दोनों का सम 6 आ जाएगा बराबर, ये तो हमें निकालना है, प्लस 3 × 6। तो आप देख सकते हैं 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 माइनस 18 198 आंसर आ जाएगा, 216-18। करके देख लो एक बार, कंफ्यूजन लगे तो बोलना, ठीक है? अब 70 क्वेश्चन पर आके बहुत से लोगों ने इतने सारे डाउट क्लियर किए, मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूँ। चलो यहाँ तक से कोई डाउट हो तो बोलो, 70 बताता हूँ। उन्होंने क्या बोला, इसके रूट ये हैं, तो अगर मैं इसे अल्फा मान लू, इसे बीटा मान लू, तो क्या मेरा अल्फा प्लस बीटा बी हो गया? तो क्या मेरा बी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? जिसे मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बोलो क्लियर हुआ? जिसे अब मैं और चाहूं तो लिखूंगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 sin × cos। बोलो क्लियर? यही दिया था उन्होंने। क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है? प्लस साइन इंटू कॉस का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट हुआ कि नहीं, जिसकी वैल्यू सी है? क्या यहाँ पर सी बराबर अल्फा बीटा नहीं है क्या? तो क्या अल्फा बीटा को मैं सीधा सी नहीं लिख सकता? बोलो, अब इसमें क्या सोच के डाउट पूछ रहे हो? इस लेवल का नहीं आ रहा है, मतलब आपको क्या करना है, चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। बोलो 70 तक किसी को डाउट, 70 तक, टिल क्वेश्चन नंबर 70 कोई डाउट? सेवेंटी तक कोई डाउट हो तो बोलिए, ये फाइल आपको लेक्चर के बाद दे दूंगा। नो कार्य करते हैं,
लो भैया प्रीवियस स्लाइड, मैंने 70 तक पूछा था बेटा, 71 से 75 सारे ही बताने वाला हूँ, क्योंकि तुमसे पूछ के इतना टाइम वेस्ट क्यों करने का। आज तुम लोगों से पूछा नहीं तो आधे घंटे में पेपर डिस्कस हो गया, लगभग 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। पानी बेटा नोट हुआ? वेरी गुड, चलो इनको भी देख लो कि सर एपीजीपी के क्या खतरनाक क्वेश्चन आपने दिए और हमने गलत कर दिए, क्योंकि बहुत खतरनाक क्वेश्चन थे, हमने तो आज तक ऐसे खतरनाक क्वेश्चन देखे ही नहीं। तो यहाँ पर आपको लिखना था T12 बराबर L-N-1 × D। फॉर्मूले जब तक अच्छे से नहीं लगाओगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो ये प्रॉब्लम तो आने वाली है। डी कितना है? 2, तो ये आ जाएगा 179। क्लियर? चलो हाउ मेनी टर्म इन द सीरीज, बहुत से लोगों ने तो ये भी गड़बड़ कर दिया है, चलो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या आएगा, 111 बराबर A+N-1 × D। ए कितना है हमारा? 3 + N-1। हमारा डी कितना है? डी है हमारा 3। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा N-1 बराबर 108/3। ये डिवाइड तो कर लिया 36 और डायरेक्ट आंसर लगा दिया, बहुत से लोगों ने ऐसा किया, लेकिन वन को दूसरी साइड ले जाना भूल गए, इसलिए क्वेश्चन के आंसर ने भी हमारे साथ मजाक कर दिया 4 मार्क्स का। तुम जितना क्वेश्चन के साथ मजाक करोगे, क्वेश्चन का रिजल्ट भी उतना आपके साथ मजाक करेगा। चलो 73 डाउट पूछा है, देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना पड़े। 73 को मैं अभी बाद में लेता हूँ, अभी थोड़ा अगले पेज पे, क्योंकि थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वन रूट ऑफ द इक्वेशन एंड दिस ए हैव इक्वल रूट, अच्छा इसका एक रूट 4 है, अगर इसका एक रूट 4 है तो 4 का स्क्वायर + A × 4 + 8 = 0। यहां से A बराबर आ जाएगा बच्चों -6, कितना आ जाएगा? -6। तो इक्वेशन बन जाएगी x²-6 + B = 0। अगर इसके इक्वल रूट है तो क्या होना चाहिए? D = 0 बोले तो 36 - 4B = 0। यहाँ से आप समझ सकते हो कि B की वैल्यू 9। 73 मैं अगले पेज पे बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर? चलो मैक्सिमम वैल्यू, फिर वही मजाक, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी तो -DY4 है, याद है -DY4 इसका आंसर बताया था, क्योंकि यहाँ वाई की वैल्यू पूछी है एक्स की थी। तो बी स्क्वायर बोले तो कितना आएगा? इक्वेशन को पहले ऐसे लिखने का, थोड़ा इक्वेशन को सजा के लिखने का, ताकि एबीसी आप अच्छे से निकाल पाओ। तो कितना आएगा? 100 - 4AC बोले तो 20, -4AC बोले तो 20, / 4A बोले तो -K20। तो आप यहाँ से देख सकते हो 4 आंसर आ जाए। बोलो 73 के अलावा बाकी सब सही है? 73 के अलावा बाकी कोई डाउट? इसका आंसर 10 था, मैंने करेक्ट कर दिया था पहले ही, क्योंकि ये आपका पेपर करेक्ट होने से पहले की पीडीएफ है, इसलिए इसमें थोड़ा गलत आंसर है। चलो 73 डिस्कस किया जाए। बोलो 73 के अलावा और कोई डाउट? चलो 73 और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो 73 जो क्वेश्चन था, एक काम करते हैं, इसमें केवल 73 को ही रखते हैं, बाकी को उड़ा देते हैं। चलो तो 73 देख लेते हैं क्या क्या बोला है। पहले तो मैं आंसर करेक्ट कर देता हूँ, इसका आंसर 10 है। क्या बोला? पॉलीनोमियल सच दैट डिवाइड बाय x-1 तो रिमाइंडर 5 आता है, तो x-1 का मतलब हो गया x = 1। 1 डालो तो क्या आएगा? 1 - 2 + 3 - A + B बराबर रिमाइंडर दिया है 5।
बोला था एक्स माइनस वन है तो जो एफ ऑफ वन आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, याद है आपको? रिमाइंडर थ्योरम क्लियर है? किसका डाउट था ये पार्थ? रिमाइंडर थ्योरम नोट्स में जाके देखो, वहां से आपको ये क्लियर होगा। तो 4 माइनस 2 कितना होगा? प्लस के दो को उधर लेके गए तो 3, तो ये आएगा माइनस ए प्लस बी बराबर 3, इक्वेशन नंबर एक। दूसरा रूट है एक्स प्लस वन, यहाँ से आएगा एक्स बराबर माइनस वन, तो यहाँ से एफ ऑफ माइनस वन निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। ऑड पावर है तो प्लस हो जाएगी, इवन पावर है तो वो जैसा है वैसा, ऑड पावर है तो प्लस का ए और प्लस का बी। ये उन्होंने 19 दिया है, 19 दिया है तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 12। बोलो क्लियर है? सॉरी 13 करके देखो, 13, और ऊपर दे रखा था माइनस ए प्लस बी बराबर 3। ये मेरी इक्वेशन 2 है, ये मैंने 1 को यहाँ पर छाप लिया है। दोनों को सॉल्व कर लो, ए बराबर आ जाएगा 5। ये अब तुम्हारी ड्यूटी है, मेरी नहीं। बी बराबर 8, इतना तो बचपन में गलती से पढ़ के आए होंगे। क्लियर? चलो तो आपका एफ एक्स कैसा बन गया? आपका वो एफ एक्स हो गया बेटा एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² ए की वैल्यू डाल दो तो -5x प्लस बी की वैल्यू डाल दो 8। क्लियर? अब इसमें मुझे एफ ऑफ -2 निकालना है, सॉरी एफ ऑफ 2 निकालना है, मुझे यहाँ एफ ऑफ 2 निकालना है क्योंकि एक्स माइनस 2 बोला है। तो ये कितना आएगा? 4 का 16 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 4 3 12 माइनस 10 प्लस 8, तो 16 से 16 स्वाहा। और बच्चा बच्चा जानता है कि 20 माइनस 10 5 होता है। क्लियर? 5 होता है 10, वो मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे लिख दिया। देख लीजिए आप पूरे पेपर में, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा है, डाउट लग रहा है तो बोलिए, वरना हम बढ़ते हैं आगे। चलो क्लियर सारे? नो डाउट? चलो पोल लेते हैं कि आपको ये पेपर इजी लगा। अच्छा पहला पोल लेते, पेपर डिस्कशन से पहले कैसा था वो बताइए। पेपर डिस्कशन से पहले आपको कैसा लगा था? इजी? मीडियम? हार्ड? इजी मीडियम? अभी जो आप पहले कमेंट करोगे पहले पोल में, वो ये है कि पेपर डिस्कशन से पहले कैसा था। और एक ऑप्शन मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, उसका नाम है वेरी इजी। चलो तो पहले आप लोग पोल करिए कि ये पेपर डिस्कस नहीं हुआ था उससे पहले आपने क्या सोच के रखा था पेपर का लेवल। मैथ के पेपर की बात हो रही है, ओवरऑल नहीं हो रही है, पेपर से पहले। किसी भी कैटेगरी में 25 से ज्यादा स्टूडेंट का इजी तो किसी को नहीं लगा। तो मैं रिजल्ट पहले आने दो, रिजल्ट बताता हूँ आपको। पांच लोगों का बोलना बहुत इजी, 13 का बोलना मीडियम हार्ड, इजी मीडियम 23, जो कि एग्जैक्ट इसका जो लेवल था वो इजी मीडियम ही था 5, और तुम्हारी जो मोस्ट ऑफ लोगों को लगा वो था मीडियम, 30 लोगों को मीडियम लगा। चलो पहला पोल हो चुका है, स्क्रीन नहीं है। ओके स्क्रीन आ जाएगी थोड़ी देर में, स्क्रीन का टेंशन मत लिया करो। चलो अब एक और पोल बनाते हैं, पेपर डिस्कशन के बाद आपको कैसा लगा? पांच लोगों को पेपर से पहले इजी लगा, मतलब डिस्कशन से पहले इजी लगा, मतलब कुछ तो लोचा है। इस बार मैं वेरी इजी ऑप्शन नहीं देता हूँ। बताइए पेपर डिस्कशन के बाद आपको कैसा लग रहा है कि पेपर तो आसान था, ऐसे नहीं हुआ या ऐसा कुछ
लगा हो तो बोलो, देन उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन प्लेसमेंट बताता हूँ। किसी को हार्ड नहीं लगा, जिस कसम की बात लगा कि पेपर इजी था, हमने थोड़ी गलती की। चलो तो पेपर का लेवल जो ओवरऑल डिसाइड हो रहा है वो इजी मीडियम था। मैं आपको बोलूं, मैं इस लेवल को अगर कैटराइज करूं तो मैं इसको इजी मीडियम दूंगा, क्लियर? पेपर से पहले भी, पेपर के बाद भी। अगर आपको थ्योरी का एक एक लाइन क्लियर था, जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी थी तो उनको एक एक लाइन बड़े आराम से कर लेना चाहिए था। चलो अब बात आती है पनिशमेंट की। पनिशमेंट बताया जाए, आवाज आ रही है कि मेरी? यस। तो पनिशमेंट, पनिशमेंट ये है कि आपके 25 क्वेश्चन मैथ में आए थे, 25 में से मान लो आपके 10 क्वेश्चन सही हुए या 12 सही हुए, तो आप टोटल में से 12 क्वेश्चन गलत कर दो, या सीधा बोलो तो रॉन्ग प्लस लेफ्ट क्वेश्चन का काउंट करो, और जितना तुम्हारा रॉन्ग प्लस लेफ्ट है उतने थप्पड़ जोर जोर से अपने गाल मारो सेल्फ, और इतने जोर से मारो कि कम से कम तुम्हारे छोटे भाई बहन हो तो अगर आपको दिक्कत हो रही हो खुद को मानने में, अगर थोड़ा सा बैड फीलिंग आती हो तो अपने छोटे भाई बहन से भी पढ़वा सकते हो, लेकिन अपनी पिटाई खुद करनी है, खुद नहीं कर सकते तो छोटे भाई बहन को बोल दो कि सर ने बोला थप्पड़ मारो, वो भी खुद अभी अभी या क्लास के बाद में, लेकिन अपने आप को पनिश और कसम खाओ कि अगली बार मुझे इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, और कसम खाने आए कि हमें अगली बार इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। चलो आप भी यही सोच रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद को अपने आप को पनिश करो ताकि अगली बार से इजी क्वेश्चन गलत ना हो, थ्योरी को एक एक पॉइंट क्लियर पढ़ के जा आप आराम से आउट ऑफ मार्क्स कंसीडर कर सकते हो, क्लियर है? तो मेन क्वेश्चन का फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का जो मेन फंडा है वो यही है। क्या है क्वेश्चन का मेन फंडा? कि आप थ्योरी को जब तक काम नहीं करोगे, थ्योरी को नहीं पढ़ोगे क्वेश्चनों से ज्यादा, थ्योरी का एक एक लाइन क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि ये कौन से CAHA का क्वेश्चन है, क्लियर? चलो अगला पेपर कैसा होगा सर, अभी से बता दो, हम तैयारी में जुट जाए। तो अगले पेपर में आपके ट्रिग्नोमेट्री का एक या दो क्वेश्चन आएगा, लॉग का एक या दो क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक से आने वाले, और करीब 12, 13, 14 क्वेश्चन आपके सीरीज के आने वाले। ये मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ पहले सिलेबस का पैटर्न, कि आपका जो क्वाड्रेटिक है और APGPA यही आपका मेन पार्ट है, लगभग 50-55% आपका रहेगा सीरीज, 40% के आसपास रहेगा क्वाड्रेटिक। जितना भी पढ़ा दूं APGPA दोनों, APGPA HP तीनों आएंगे पेपर में, पेपर में APGPA। स्क्रीन का टेंशन मत लो, जब तक स्क्रीन नहीं आएगी मैं आपको आगे नहीं पढ़ाने वाला, मैं भी वेट कर रहा हूँ स्क्रीन के आने का, मैं मोबाइल में रखता हूँ, अगर मेरे मोबाइल में स्क्रीन आ रही होती है तो मैं समझ लेता हूँ आपको स्क्रीन दिख रही है, अगर मेरे मोबाइल में स्क्रीन नहीं दिखती तो इसका मतलब स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन आने के बाद ही आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। क्या बात है, यहाँ ये भी लिखा रहा है कि मोहनलाल सर ज्वाइन हुआ, क्या बात है, क्योंकि मैं तो अब मेरे को स्क्रीन दिख रही है, अब आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन, वॉइस स्क्रीन सब आ गई होगी अब तो, यस। चलो देखते हैं लास्ट लेक्चर में कहाँ थे,
ओके तो मैंने आपको CA3 दिया था, CA3 हमारा कंप्लीट हो गया था। चलो तो अब बात करेंगे, आज हमें शुरुआत करनी है HA3 से, राइट। आज हमको शुरुआत करनी है HA3 से। तो एक मिनट दीजिए। तो आप नहीं दिख रहे, मैंने तो अपनी तरफ से ऑन कर रखा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मेरी गड़बड़ नहीं है, मेरे को तो मैं दिख रहा हूं। अब आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन पर मैंने तो अपना कैमरा ऑन कर रखा है। अगर वो नहीं अपलोड हो रहा है, इंटरनेट का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मैंने अपना कैमरा ऑन कर रखा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्लियर? मेरे भी मोबाइल पे मेरा खुद का फोटो नहीं दिख रहा है, और इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं HA3 से। तो स्टार्ट करेंगे HA3 से। एक मिनट दीजिए सर। पासआउट स्टूडेंट के साथ सेशन रखने वाले थे ना? हाँ रखने वाले हैं, मैं आपको कंफर्म करता हूँ कल तक। आज मैं उन बच्चों से बात कर लूँ कि वो लोग कब फ्री हैं, देन मैं कल आपको टाइम बताता हूँ कितने बजे रहेगा, क्या रहेगा। तो मुझे आज उन बच्चों से बात करनी है एक बार। कि वो कब फ्री है उस हिसाब से। चलो आज का होमवर्क मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्वाड्रेटिक XI2 15 क्वेश्चन के हिसाब से पर डे करना शुरू करिए। XI2 के 15 क्वेश्चन आज के होमवर्क रहेंगे, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। चलो तो शुरू करते हैं HA3 से। एक मिनट दीजिए, मैं इसमें बड़ा पेज लगा देता हूँ ताकि आपको परेशान ना है। 3-4 दिन तक यही एक ही फाइल में हम पढ़ेंगे और देखते हैं आगे क्या है। चलो तो HAM सॉल्व करना शुरू करते हैं। सी हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में, PDF मैंने आपको भेज दिया है। HA करना स्टार्ट करिए सर। CA3A डाउट है बेटा, मेरी आप मेहनत करवाओगे आप मेरे को। मैं देखता हूँ, करता हूँ डाउनलोड। CA38 काय का PDF सेंड करो, टेस्ट का PDF पे क्लास के बाद सेंड करूंगा, अभी कोई PDF सेंड नहीं कर रहा हूँ। ये वाला जो PDF है लास्ट लेक्चर तक का, वो ऑलरेडी ग्रुप में मैं भेज चुका हूँ, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं दिया है। चलो आठवां क्वेश्चन डाउट है, एक बार देख लो। आठवां क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आठवां क्वेश्चन देख लो एक बार। पार्थ बेटा, क्या उन्होंने A²B²C²AP में बोला है? तो इसके रिगार्डिंग मैंने नोट लिखा है था, वो आपको नोटबुक में मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको नोट लिख पढ़ने पड़ेंगे। A²B²C² अगर AP में हुआ तो A को 1 मानो, B को 5 मानो, C को 7 मानो। आपको नोट पढ़ने पड़ेंगे, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्लियर हुआ पार्थ बेटा? तो यहाँ पर अब आप क्या करो, आठवें क्वेश्चन में A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू जो भी 7 थी 7 डाल लो, फिर आप चेक करो इनको, ये AP आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ पार्थ?
पार्ट बेटा क्लियर। हाँ तो एक बार करके देखो, फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे 4 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं, मैं आपका इंडिविजुअल एक एक डाउट आप सबको बता सकता हूँ। तो स्टार्ट करिए HA3, मैं थोड़ा जाता हूँ पानी पी के आता हूँ, आप पूरा सॉल्व करना शुरू करिए। वाह, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार तक सॉल्व हो गए काफी लोगों के, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करिए। चलो मैं करना शुरू करता हूँ, तो पहला दूसरा बाकी लोग आप करते रहिए। सम 18, तो मैं 3 टर्म कैसे मानूंगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये उन्होंने 18 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडिल टर्म है वो मेरा 6 होगा, क्लियर है। एंड देयर स्क्वायर इज 128, देन द ग्रेटेस्ट टर्म अमंग, तो स्क्वायर करना है तो ये आएगा ए माइनस डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस डी का होल स्क्वायर,
बराबर क्वेश्चन में दिया है 324, सॉरी 158, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3a² प्लस 2d² प्लस 2ad आएगा, माइनस 2ad आएगा, कि आपस में जाएगा कट, ये दिया है 158। अब आपको पता है स्क्वायर बोले तो 6, 6 का बोले तो 36, 108, तो 2ad² बराबर आएगा 158 माइनस 108, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी प्लस 5 माइनस 5, 5 और 6 11 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा कॉमन सेंस से 10th पढ़ के आए हो तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। चार नंबर कहाँ पे मानने को पड़ा, चल गए चार नंबर, फिर से एक्सप्लेन करिए। पीडीएफ खुला रखा है, एक्सप्लेन करने का ज्यादा एडिक नहीं है मेरे पास, आपका ये पीडीएफ ओपन कर लिया है, तो नोटबुक में जाइए और देखिए मैंने क्या लिखाया था। जब भी चार टर्म माने तो a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2d होता है, ये मैंने बताया था। क्लियर हुआ रंजित बेटा? कल के मार्क्स देख के, अगर मुझे किसी के मार्क्स देख के सरप्राइज हुआ तो वो थे रंजित के मार्क्स, वो थे रंजित के मार्क्स, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स, इतनी मेहनत की उसने कि वो इसके मार्क्स देख के मैं एकदम सरप्राइज रह गया था। 96, बहुत अच्छा लगा था मुझे कल। रंजीत बेटा समझ में आया चार टर्म कैसे मानने हैं? चलो दूसरे में क्या बोला है, सम ऑफ द एस्टीन टर्म ऑफ द एपी ऑफ द फोर टर्म इज दिस, तो मैंने पहले चार टर्म मानो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी। आपको जितना नोट दे रहा हूँ ना, सब सोच समझ के दे रहा हूँ, मैं फालतू थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ, ये बात आज तक आपको समझ में आ गई होगी, बुक में भी दिया होगा कि बोले ये फालतू है, तो मैंने बता दिया होगा कि मैं इसे याद नहीं कराता, मैं इसे फॉलो नहीं करता, जो फॉर्मूले मुझे लगता है मैं केवल वही फॉर्मूले लिखाता हूँ, बाकी कुछ फॉर्मूले बुक में भी दिए होते हैं मैं उन्हें फॉलो नहीं करता, तो जो काम की चीजें मैं उन्हीं पर फोकस करता हूँ, फालतू की चीजों पर मैं फोकस करता ही नहीं हूँ। क्या बोला है, सम ऑफ टू एस्टीम नंबर ऑफ एपी ऑफ द फोर टर्म इज 8, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 8 है, मतलब 2a बराबर 8 है, मतलब a बराबर 4, पहला आंसर निकल गया है। अब क्या बोला है, प्रोडक्ट और रिमेनिंग टू मिडिल टर्म इज 15, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट की बात करी जाए तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आएगा, बोला है कि ये 15 के बराबर है, तो क्या मेरी डी की वैल्यू 1 हो गई, डी 1 हो गया तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 1, 1 तो फिर यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1 3, 5 7, ये आएगी सीरीज। करना क्या है, देन ग्रेटेस्ट नंबर, बच्चा बच्चा जानता है ग्रेटेस्ट नंबर 7 है। चलो तीसरे में बोलते हैं, तीसरे में क्या बोला है, सम ऑफ द एपी इज 51, तो मतलब मिडिल टर्म आगे 17, ए बराबर आ जाएगा 17, पहले और लास्ट टाइम का प्रोडक्ट आएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये सब बचपन में किए हुए जैसे क्वेश्चन लगते हैं अगर आप ढंग से कर रहे हो तो ये आएगा 289 माइनस डी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भी सही है गलती से तो डी बराबर आ जाएगा 4, तो टर्म आ जाएंगे 13 17 21। क्या करना है हमको, 17 13 21 नहीं है तो 21 17 13 भी चलेगा, उसका उल्टा भी एपी होती है। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मान लीजिए जल्दी से 1 2 3, ये आपका काम है, यहाँ भी आप इसे 1 2 3 मान लीजिए और यहाँ भी 1 2 3 मान लीजिए, करिए यहाँ तक 1 2 3 माने तो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस ac बोले तो 3 आंसर आएगा 4। देख लीजिए बाकी सबका आंसर ap ही आता है। अच्छा ये कितना आएगा रख के देखो आप, इसमें जो वैल्यू आएगी ऑप्शनों में भी 1 2 3 रख के देखो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। बोलो क्लियर, यहाँ तक 6 तक कोई डाउट हो, समस्या हो, परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो। 6 तक किसी भी तरह की परेशानी अगर आ रही हो तो बताइए, हमने CAHA बहुत सोच समझ बताए थे, बोला था केवल सैटरडे संडे होमवर्क नहीं था कल, लेकिन आज मंडे होमवर्क देना, पार्ट अटैक के पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 के आपको ट्राई करनी है, ये आपका आज का होमवर्क है, तो ऑनलाइन जो पनिशमेंट मैंने बोला है उसे कर लीजिए।
अगर आपको खुद को थप्पड़ मारने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने छोटे भाई बहन को बोल दीजिए, वो आपकी ये कमी पूरी कर देंगे। और ईमानदारी से मारिएगा जरूर। और गर्ल्स वो जज करने वाला थप्पड़ ना मारें, थोड़ा अच्छे से मारें। 15 क्वेश्चन करने होमवर्क के। चलो गर्ल्स के लिए तो सबसे बेटर होगा उनका छोटा भाई अगर हो तो उसको बोलें, क्योंकि खुद तो ऐसे टच करने वाले थप्पड़ ही मारेंगे। एक्सप्लेन। फोर्थ में बेटा फोर्थ को ध्यान से समझते हैं, फोर्थ को देख लो बेटा। फोर्थ अगर आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा जरूर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोर्थ में क्या एबीसी एपी तो दिमाग में आना चाहिए। 1 2 3 नोट हमारे याद रहना चाहिए। 1 2 3 रखो तो 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 2 + 3 5 आ जाएगा। अगला ये कॉमा, ये प्लस के साइन नहीं है, ये यहाँ पर आप कॉमा मान लीजिए, क्लियर है। बी स्क्वायर बोले तो 4 4 × 4, सी स्क्वायर बोले तो कितना आएगा 9, और 1 + 2 × 3 तो ये आएगा 5 16 27। तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये एपी है। क्लियर हुआ सर बेटा, नोट करो। 6 से आगे बढ़ूं, आगे बढ़ा जाए। चलो 7वां देखते हैं, करिए 7th 8। पहले एक बार खुद ट्राई करिए। करिए एक बार, करिए 7th 8। मैं तो क्या करूंगा, एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आंसर एपी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम में ये नहीं लिखाएगा कि ये एपी हेडिंग से उठाया गया है। ABCRNAP मतलब 1 2 3, 1 2 3 रखोगे तो क्या आएगा, 1/1 + √2 कॉमा 1/1 + √3 कॉमा 1/√2 + √3। इनको रेशलाइज करो तो रेशलाइज करेंगे तो ऊपर आएगा √2 - 1, नीचे 1 हो जाएगा, और इसको रेशलाइज करेंगे तो ये आएगा √3 - 1, लेकिन नीचे 2 आएगा, और ये आ जाएगा √3 - √2 √3 - √2। चलो इन दोनों में कितना डिफरेंस है ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस हमें निकालना है तो क्या होगा, 1 से 1 तो कहेगा ये आ जाएगा √3 - √2/2। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आ जाएगा √3 - √2/2। अब इन दोनों में अच्छा नहीं, गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर, ये 2√2 होगा, -2 का +2 बन जाएगा, +2 बन जाएगा तो +1। इनका चेक करेंगे तो ये आएगा 2√3। इनका चेक करें, 2 का मल्टीप्लाई होगा पहले 2√3 -2√2 - √3 - +1/2। आप देख सकते हैं दोनों चीजें सेम ही है, सेम ही है मतलब एपी। हाँ आप ये भी कर सकते हैं, कुछ लोगों का ये बोलना है कि बिल्कुल सही बोला, 125 49 लेके भी कर सकते हैं, मतलब आप लोग अपना दिमाग लगा रहे हो ये मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ तो होते हैं कि बिल्कुल हमें फॉलो करता चलना है, कुछ है कम से कम अपने दिमाग को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो बिल्कुल सही बोला, 125 49 मानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां से जो और जल्दी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/6, या हो जाएगा 1/8,
और यहाँ हो जाएगा 1/5 + 7 = 12। ये भी तुम्हारी एपी आती है, करके देख लो। बिल्कुल सही बेटा प्रतीक, कम से कम दिमाग लगा रहे हो, अच्छा लगा। इसका क्या है, एक रूट तो वन है, आपको एक रूट वन वाली कंडीशन, तीनों जीरो दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए तीनों जीरो, तो एक रूट वन तो दूसरा भी वन। मतलब अभी ऐसे क्वेश्चन आ गया प्रोडक्ट इक्वल टू वन, ऐसा क्वेश्चन आया था क्वाड्रेटिक में, हमें बोल दिया था कि सीरीज के बाद पढ़ाएंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 2b = a + c। बच्चा बच्चा जानता है कि ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं कि ये एपी की कंडीशन है। एट रिपीट, एट में बेटा रिपीट क्या करना है, ध्यान से सुनो बेटा सर, बड़े आराम से। क्या आपको a + b + c जीरो दिख रहा है सार्थ साहा? क्या आपको a + b + c जीरो दिख रहा है? तो क्या एक रूट वन हो गया, इक्वल रूट बोला तो दूसरा रूट भी वन हो गया, और प्रोडक्ट को वन लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। आप प्रोडक्ट को वन लगा दो आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक रूट वन है तो दूसरा भी वन होगा, क्योंकि इन्होंने बड़े अच्छे अक्षरों में लिखा है इक्वल इक्वल, तो इक्वल से आपको क्लियर हो जाएगा। और किसी को CHA में डाउट हो तो बोलो, वरना हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन। सेवन बेटा आप 1 2 3 मान लो, या फिर 125 49 नान के पुट करो नागराज, बेटा आपको समझ में आएगा। जब 125 49 मानोगे तो रूट ए हो जाएगा 1, रूट बी हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1/6। क्लियर नागराज? ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पर 5 + 7 = 12। आपने वैक्सीन कब ली, फ्राइडे को सैटरडे को? फ्राइडे को ही। कितने के लग गया? अच्छा कम नहीं ले रहे क्या? कोई कह रहा है 800 ले रहे हैं, कोई कह रहा है 250 ले रहे हैं, सही में नहीं आ रहा है। करके गए ना हमने जो ऐसा भी है, गवर्नमेंट का ये कि 250 से ज्यादा कोई नहीं ले सकता। तो आप किसके पास गए, सीधे उनके पास गए थे या ऐसे नंबर आ रहा है? किसी से? सही है, चलो बढ़िया। हाँ क्यों जल्दी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हमारे बच्चे उसे आ रहे हैं, हमने पेपर पता कहाँ से बनाया था, मैथमेटिक स्कूल से। क्या बात कर रहे हो, सिटी लेवल उससे अच्छा होता है। चलो मैं आगे बढ़ू बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या कौन किसकी, जिसको आना है आए, नहीं आना मत आओ। मैं तो वैसे ही हफ्ते में 2 दिन ही लेता हूँ क्लास। चलो अर्थमेटिक मीन, सर क्वाड्रेटिक बुकलेट रिसेंड करोगे क्या? ठीक है बेटा, लेक्चर की बात करूं चलेगा क्या? आप एकेडमी आके एक बार हार्ड कॉपी लेके जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा पार्थ, मैं लेक्चर के बाद सेंड कर दूंगा। हेडिंग डालो AM बोले तो अर्थमेटिक मीन, AM बोले तो अर्थमेटिक मीन, चैप्टर नहीं है हेडिंग है, AM बोले तो अर्थमेटिक मीन। इसमें एक ही करके लिखते हैं, लेट नंबर्स, लेट नंबर x1, x2, x3, ... देन अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपके पास हैं उन सब का सम करो और टोटल नंबर से डिवाइड करो। ऐसा आप लोग 10th क्लास तक पढ़ के आए होंगे, इसे नोट करो, इसे नोट करो। एग्जाम्पल की बात करो, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए नंबरों का एपी में होना कोई जरूरत नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं। नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1, 8, 20,
100, 400 करो, इनका अर्थमेटिक मीन बताओ कितना आएगा। क्वेश्चन करिए। क्या बात है, यस एवरेज को ही अर्थमेटिक मीन बोलते हैं आपकी भाषा में, बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ से मेरा अर्थमेटिक मीन आएगा 529, डिवाइड मेरे को नहीं आता, मैं पहले ही क्लियर कर देता, डिवाइड बाय 5। जितना अच्छा डिवाइड कर लोगे उतना अच्छा आपका आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर है 529 डिवाइड बाय 5, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दिया जाए, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए जाए उनको एन से डिवाइड कर दो, आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। बोलो क्लियर। अजी बोलो क्लियर। चलो चलो, ए एम फॉर एपी। अब मैं एपी के लिए एम बताना चाहूंगा। तो क्या एन नंबरों का सम आपने पढ़ रखा है, एन बाई टू ए प्लस एल होता है? क्या एन नंबरों का सम एन बाई टू ए प्लस एल होता है? तो यहां से अगर मैं ए एम निकालना चाहूं तो क्या मेरा ए एम एस एन सबका सम डिवाइड बाई एन, क्या मेरा ये ए एम आएगा? ए एम का मतलब था कि सबका सम करो, सीधा लिखो तो यहाँ पर आप ऐसे लिखते हो सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। क्लियर, सबका सम डिवाइड बाई एन, ये मेरा ए एम का फॉर्मूला होता है। क्लियर। चलो तो यहाँ पर क्या आएगा, एस एन की वैल्यू कितनी है, एन बाई टू ए प्लस एल डिवाइड बाई एन, तो एन से एन स्वाहा, तो ये निकल के आता है ए प्लस एल बाई टू। जिसे हम और अच्छे से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म बोलो क्लियर। यहाँ तक नोट करो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक नोट करो। तो यहाँ पर मेरे को ये बताया गया अभी एम में क्या क्या बताया, कि जितने भी नंबरों का आपको एम चाहिए, जितने भी नंबरों का आपको एम चाहिए उतने नंबर ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, तो आपका निकल के आता है अर्थमेटिक मीन। क्लियर है। एपी के लिए हमको पता था सम ऑफ एन पता था, एन से डिवाइड किया तो ये निकल के आ गया ए प्लस एल बाय टू, बोले तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय टू। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले और लास्ट टर्म का जो एम होगा वही पूरी सीरीज का एम होगा, ऐसा मजाक निकल के आया हमारे पास, मजाक निकल के आया कि पहले और लास्ट टर्म का एम ले लो वही तुम्हारा एम है। मतलब बीच के टर्म के वहां वैसी बारात में आए हैं क्या, उनका क्या यूज है, वो हम अगले पेज पर समझते हैं। इसे यहां तक नोट हो गया, बोलो नोटेड। चलो अगर नोट हो गया तो तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए सम ऑफ द टर्म, मैं बोल रहा हूं उसे लिखिए, आपको चाहिए तो मैं लिख के भी दे सकता हूं, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड, एंड की जगह लास्ट लिख लेता हूं ज्यादा अच्छा है। चलो इज इक्वल टू ए एम ऑफ सीरीज। क्लियर है। तो एपी में मैंने क्या बोला, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड लास्ट आर इक्वल एंड इक्वल टू द सीरीज। क्लियर है। चलो इक्वल टू द सीरीज, अब मालूम है एग्जाम्पल ले रहा हूं,
तो मैं पहला केस इसमें लिखो, पहला केस इसके अंदर पहला ए केस, इफ नंबर ऑफ, इफ नंबर ऑफ टर्म्स और देन ई एम इक्वल टू टू टाइम मिडिल टर्म। क्या ये बकवास चल रही है सर? सर पहले प्री स्लाइड लो भैया, पहले प्री स्लाइड नोट कर लो, तब मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लो पहले प्री स्लाइड नोट करो। आ रही आवाज आ रही है अब? चलो अब आवाज आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करेक्ट कर लो, टू टाइम ए एम ऑफ सीरीज, और ए एम जो है मिडिल टर्म के बराबर हो जाएगा, नंबर टर्म आने तो कैसे। अब पहले जैसे ए एम देख लो, मैंने ए एम बराबर बताया था तुमको ए प्लस एल बाई टू, बोलो बताया था एल प्लस बाई टू बोले तो 1 + 25/2। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये 23 आ जाएगा 130। आप देख सकते हो हमारा मिडिल टर्म भी 13 है। ये हमारा मिडिल टर्म निकालने का जादुई तरीका है। चलो आप मुझे बताओ 1 + 26 कितना आ रहा है, 1 + 25 कितना आएगा, 1 + 25 कितना आएगा, 26। अच्छी बात है। 3 + 22 कितना आएगा, 4 गड़बड़ ये कि ये 4 होगा, 1 4 7 10 ऐसे होगा। अब बताओ कितना आएगा, 26 आएगा। चलो 7 + 19 कितना आएगा, 10 + 16 कितना आएगा, और 13 + 13 कितना आएगा। सर ये क्या मजाक है, ये मजाक ऐसा है बेटा, मैंने बोला सम ऑफ इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड फ्रॉम एंड, क्लियर है। इसका मतलब आप पहले आगे से पहला और लास्ट से पहले का सम 26, स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट से सेकंड का सम 26, स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से थर्ड का सम 26, स्टार्टिंग से फोर्थ और लास्ट से फोर्थ का सम 26, स्टार्टिंग से फिफ्थ कौन है 13, एंड से भी 5th कौन है 13, क्योंकि मिडिल टर्म दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, देन ये सम भी 26। तो मैंने ये बोला सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड आर इक्वल। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। और आप देख सकते हो ये सम एएम का डबल है, आप देख सकते हो ये सम एएम का डबल है, क्लियर है।
और फिर मैंने बोला अगर नंबर टर्म ऑड है तो जो मिडिल टर्म है वही तुम्हारा एएम होगा, फालतू बकवास समझने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो जितनी इंग्लिश लिखी है उसे इस एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखो कि क्या ये सच में सर ने जो लिखाया है वो सही है। नहीं लिखा है तो मुझे बताओ, मैं अपनी थ्योरी फिर चेंज करूंगा। जिसको गलत अगर प्रूफ कर देगा उसके बाद, उससे पहले नहीं। बोलो क्लियर हो तो बोलो, तब मैं आपको भी पॉइंट लिखूंगा। ये रिजल्ट हमेशा सही है इसलिए ऊपर लिखा, ये रिजल्ट केवल ऑड टर्म के केस में सही है इसलिए इसे यहाँ लिखा। तो अगला है इफ नंबर ऑफ टर्म इवन, इफ नंबर ऑफ टर्म इवन, इफ नंबर ऑफ टर्म इवन देन ए एम बराबर देन ए एम ऑफ सीरीज इक्वल टू ए एम ऑफ मिडिल टर्म्स। क्लियर है? ये क्या बकवास है सर? बकवास ये है कि जब हमारे नंबर ऑफ टर्म इवन होंगे तो हमारे दो मिडिल टर्म आएंगे। कितने मिडिल टर्म आएंगे? दो। आपको दिख रहा है दो मिडिल टर्म आएंगे अगर मेरा नंबर ऑफ टर्म इवन है तो। क्लियर? तो दोनों का जो ए एम होगा वही सीरीज का ए एम होगा। एग्जाम्पल सर 1, 5, 9, ज्यादा टर्म नहीं लूंगा मैं इसमें, 1, 5, 9, 13, 17, 21 इतने टर्म काफी है। तो बताओ 1 और 21 का कितना आया सम? 22 आया कि नहीं? 17 और 5 को करके देखो वो भी 17 आ जाएगा, और इनको भी करके देखो ये भी 17 आ जाएगा। सॉरी 20 नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, 22। बोलो क्लियर? आप यहाँ पर ए एम की बात करो तो आपके कितने मिडिल टर्म है? दो है कि नहीं? तो आपके दो मिडिल टर्म है तो इसलिए 9 + 13/2 ये वाला जो आंसर है वो कितना निकल के आ जाएगा? वो निकल के आ जाएगा तुम्हारा 11। चाहे पहले और लास्ट टर्म से निकालो, चाहे मिडिल दो टर्म से निकालो, चाहे कितने भी टर्म से निकालो, ए एम रहता है। नोट कर लो। नोट करो। क्लियर? नोट हो गया हो तो मैं आगे लिखूं। चलो डन, वेट, ठीक है वेट कर, चलो डन हो गया सबका। चलो मतलब कहानी क्या आई? कहानी ये बनी कि जो ए एम था ए प्लस ए एन बाई टू, ये तो होता है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया ए प्लस एल बाई टू, मतलब इसकी जगह हम ए टू प्लस ए एन माइनस टू। इसका मतलब क्या? आगे से दूसरा और लास्ट से दूसरा, इनका भी एवरेज निकाल लो।
चाहे आगे से तीसरा प्लस लास्ट से तीसरा, इनका भी एवरेज निकाल लो एन माइनस टू, तो आप क्या देख रहे हो, वन एन एन प्लस वन आ रहा है सम, दो और एन माइनस वन का सम भी एन प्लस वन आएगा, तीन और एन माइनस टू का भी सम एन प्लस वन आएगा, क्लियर। ऐसे आप ए फोर प्लस ए एन माइनस थ्री इसे भी अगर लोगे तब भी तुम्हारा जो एवरेज है वो उतना ही आएगा, क्लियर। अच्छा अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो चार पांच टर्म ले लूं, तो ए वन प्लस ए टू और यहाँ से ले लिया ए एन माइनस वन और ए एन, आप सिमेट्रिकली समझिए, ये आगे से दो टर्म है और ये लास्ट से दो टर्म है, इनका भी एवरेज उतना ही आएगा, क्यों, इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों का सम है, मतलब बात तो एक ही चेक कैसे भी कर लो, क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिखता हूँ, ए वन प्लस ए फाइव प्लस ए सेवन प्लस, यहाँ पर ए वन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा ए एन, ए फाइव के अकॉर्डिंग आ जाएगा ए एन माइनस फोर और ए सेवन के अकॉर्डिंग आ जाएगा ए एन माइनस सिक्स, बस इनके सिमेट्रिक टर्म आने चाहिए, कहानी पूरी की पूरी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना और नोट कर लो, समझ में आया तो नोट करिए, नहीं आया तो नोट करिए। समझ में आया तो नोट करिए, नहीं आया तो नोट करिए। चलो टाइम हो गया है तो अभी फिलहाल लेक्चर को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, इसका अभी आपको फाइल नहीं मिलेगा, आज केवल आपको पेपर का पीडीएफ आपको सेंड होगा, ठीक है। चलो बाकी पढ़ेंगे कल, टाइम हो गया खत्म, ओके थैंक यू, धन्यवाद। होमवर्क क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज टू मैं कल डिस्कस करूंगा, होमवर्क क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज टू, होमवर्क क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज टू 1 to 15 क्वेश्चन, क्लियर। आज ज्यादा टाइम हो गया, गलती से मुझे टाइम देख नहीं पाया इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं होना चाहिए। चलो तो मिलते हैं कल, ओके थैंक यू, बाय बाय, टाटा।